हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा ने लगातार दूसरी बार सुशासन सूचकांक में प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर राज्य में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन को दोहराया है। राजधानी शिमला में आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित एसपी और डीसी की समीक्षा बैठक के दौरान डीसी कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने गुड गवर्नेंस के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। प्रथम पुरस्कार मिलने पर जिला को 50 लाख रुपए भी पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुए हैं। लगातार दूसरे वर्ष सुशासन सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिलाधीश कांगड़ा के नेतृत्व में पूरी टीम के प्रयासों की सराहना की। डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि जिला कांगड़ा में विभागों के बेहतर आपसी समन्वय के चलते गवर्नेंस सुगम और सरल हुई है। वहीं जिला हमीरपुर ने सराहनीय प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है। आर्थिकी और सांख्यिकी विभाग द्वारा तैयार हिमाचल प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक पर वार्षिक रिपोर्ट 2022 में ये उपलब्धि हासिल करने के लिए जिला हमीरपुर को 35 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर के डीसी हेमराज बैरवा को ये पुरस्कार प्रदान किया। वहीं तीसरे स्थान पर लाहौल स्पीति जिला रहा है। लाहौल स्पीति जिला को 25 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है। डीसी राहुल कुमार को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।